व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपना व्लॉग बना रहे हैं और आपको कुछ अलग दिखा रहे हैं। मैं आ गई अपने खेतों पर, क्योंकि मैंने बताया था पहले कि हम गांव आए हैं। तो ये मेरे खेत है, आपको बताती हूँ। यहाँ से दूर दूर तक देखोगे तो चारों तरफ ये खेत जो दिख रहे हैं वो सिर्फ मेरे ही है। और एक वो जो बैक साइड में है वो हमारा ताया ससुर जी का है। और ये आप देख सकते हो अभी यहाँ की फसल कट चुकी है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है क्योंकि इस बार पानी की बहुत कमी की वजह से बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हुई थी। तो यहाँ पर फसल का हमने सोचा नहीं है क्योंकि नुकसान हो उससे बेटर है कि इसे रहने दिया जाए। इसीलिए मैं और आगे आपको बताऊंगी, इधर भी है हमारे खेत, वो भी बता देती हूँ आपको। तो चलो आपको दिखाती हूँ हमारे ऊपर। यहाँ पे जब हमारी फसल होती है, जैसे चने हैं, सरसों हैं, सोयाबीन है, तो उनको बैल की वो चलाकर फिर उसको निकाला जाता है। वो एकदम देसी प्रोसेस होता है, बहुत सारे मशीन में करते हैं और हम लोग बैलों को चलाकर फिर करवाते हैं। तो ये चीज यहाँ पर ऊपर होती है जहाँ इसकी लिपापोती भी की जाती है। पहले अच्छे से मिट्टी से साफ किया जाता है और फिर उसको वहाँ पर फसल रखी जाती है और उसको निकाला जाता है दाने को। तो आपको मैं बताती हूँ यहाँ पे कैसे करते हैं। यहाँ चलना थोड़ा मुश्किल सा है पर मेरी पुरानी प्रैक्टिस भी रही है यहाँ पे चलने की। मैंने कोशिश कर ली और मैं जीत भी गई क्योंकि बहुत टाइम पास कर लिया। कैमरा मैन गिर जाता आपका। ये जो मैंने अभी बताया था और यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था वो फसल हमारे तिल के जो थे वो तिल निकाल के ये उसका कचरा रह गया है जो गाय से खाती है। और ये बैल जो जिसके बारे में बताया कि बैल से हम ये काम करवाते हैं, ये बैल है, उधर भी है, वो नया है, उसको सिखाने के लिए रखा हुआ है साथ साथ में, बीच में रखते हैं ताकि वो धीरे धीरे सीख जाए क्योंकि इनकी जब उम्र हो जाती है तो उसे लगाया जाता है। और एक बैल उधर भी है जिसके ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है आराम से। और ये पेड़ है जो मेरा बेटा छोटा सा था, हम यहाँ आते थे खेतों में तो बड़ा वाला बेटा जो आर्यन मेरा छोटा था तब वो इससे करता था, उसे बहुत अच्छा लगता था यहाँ चढ़ना। अब शायद वो चढ़े ना चढ़े तब वो ऊपर चढ़ जाता था इसके। यहाँ आकर मुझे और बहुत खुशी हुई है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं काफी टाइम बाद आई हूँ यहाँ पर और यहाँ से मैं चारों तरफ आपको दिखाऊंगी। मेरे चारों तरफ जितने भी खेत हैं वो हमारे हैं, उसके बैक साइड में दूर है वो हमारे ताया ससुर जी और उन लोगों के हैं। बाकी जो यहाँ से आपको जो दिखेंगे वो लगभग सारे मेरे ही खेत हैं। और ऐसा नहीं है कि आज मैं ऐसे घूम रही हूँ, मैंने भी यहाँ पर घास काटी है पहले और मैंने भी खेती में काम किया है, नहीं किया ऐसा नहीं है, मैंने भी किया है। कई बार मुझे चोट भी लगी थी क्योंकि हमारे घर पे खेती बाड़ी नहीं थी तो मुझे चोट भी लगी थी, पर इस शौक है मैंने किया, मुझे अच्छा लगता है। और अगर ऐसा समय आया कि बच्चे अपने सेटल हो गए और मुझे वापस लगा कि गांव आना चाहिए तो मैं आके यहाँ कुछ नया करने की कोशिश करूंगी क्योंकि मेरा एक ड्रीम भी है, मेरे पास जगह भी है, खेती भी है काफी, तो मेरा अपना ड्रीम मैं जरूर यहाँ पर करूंगी। मैंने अपने खेत अपने बेटे को बताए हैं क्योंकि वो देखना चाहता था। वो छोटा था तो उसे इतना आइडिया नहीं था कौन से खेत है वो, जैसे वो हमें हमेशा उसको बोलती रहती हूँ कि अपने बहुत सारे खेत हैं, बहुत सारी जमीन है, तो उसे पता नहीं था। उसने कहा मम्मी मुझे देखना है। तो हम किसी कारणवश कहीं जा रहे थे, आंगनबाड़ी एक काम था मुझे तो वहाँ जाना था और वहाँ से मेरे खेत सारे पास पड़ते हैं तो मैं इसको लेके आ गई। मैंने कहा चलो तुझे दिखा दिया जाए और उसके साथ ही मैंने सोचा कि ये व्लॉग बना दूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि मेरे खेत कैसे हैं और हम क्या फसल करते हैं। तो हम हर तरह की फसल करते हैं, जैसे बासमती चावल गाँव में उसे काला बादल के नाम से जाना जाता है उसकी खेती भी करते हैं और धनिया वगैरह वो सारी चीज़ें भी करते हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर पर और मैंने आप सबको दिखा ही दिया है तो अब हम घर के लिए चलते हैं। काफ़ी लेट भी हो गया है मुझे। उतरना
चढ़ना, क्योंकि चढ़ना इतना और मैं उतरने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नहीं हो मैं इधर चला या उधर चला वाला प्रोसेस बन जाए मेरे साथ में और मैं बिल्कुल डाउन हो जाऊँ, ऐसा नहीं है। तो गाइस मैं पहुंच गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा, मैं पहुंच गई, मैं नीचे उतर चुकी हूँ और ये मैं अपने कुएं के पास में आ गई हूँ। हमारे यहाँ पे खेतों में सिंचाई करने के लिए हमारा कुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा कुआ है और यहाँ पे चिड़िया ने काफी घोंसले भी बना रखे हैं और ये हमारे पानी के लिए भरा रहता है। उसके साथ ही हमने नीचे भी बना रखा है जहाँ हमारे गाय भैंसे कोई किसी के भी और बाहर से भी आए तो वो गाय भैंसे भी पानी पी सकती है और जिस लोगों को जरूरत हो वो पानी भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह से ये मेरे बड़े ससुर जी ने कर रखा है, काफी कुछ अच्छा किया है और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये लगभग वैसे भरा रहता है हमेशा और इसमें एक सांप भी रहता है। तो मैं जा रही हूँ, मुझे डर भी लग रहा है फिर भी मैं जा रही हूँ कि आपको दिखा दिया जाएगा। मैं यहाँ तक आइए सबको दिखा देती हूँ। मैं एक लकड़ी डाल के देखती हूँ कहीं हो तो वो चला जाए। ये अक्सर यहाँ तक भरा रहता है यहाँ पर। और गाइज ये मेरा कुआ है, ये लगभग यहाँ तक भरा रहता है, ये वाला जो एरिया मैं बता रही हूँ ये कोना यहाँ तक भरा रहता है अक्सर। पर अभी अभी क्या है कि यहाँ पर पानी नहीं है, बारिश भी अच्छी नहीं हुई है, तालाब सूखे थे तो ये कुआ भी नहीं भरा है हमारा और हमें काफी चीजें इससे वो हो रही है और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ सांप भी है। तो मैं और ऊपर से मेरा कैमरामैन मेरे को डरा भी रहा है सांप की आवाज निकाल के। तो मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देती हूँ। ये पानी बहुत कम है यहाँ पर और हमने इसमें मशीन भी लगा रखी है। ऊपर चिड़िया ने सारे अपने घोंसले बना रखे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर। हम कुएं से निकलकर फिर बाहर आ गए। बाहर जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारे बड़े ससुर जी ने बनाया था अपने और अपने पिताजी के नाम से। इसे हम पानी की परब भी बोलते हैं और गांव में इसे एवेड़ा बोलते हैं। मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, काफी समय लगा था भाषा सीखने में क्योंकि यहाँ की भाषा थोड़ी अलग है मेरे ससुराल की। तो ये दो बना रखी है, इसमें एक गाय पानी पीती है और बैल वगैरह जो भी है पानी पीते हैं और लोगों को जरूरत होती है वो पानी भी ले जाते हैं यहाँ से। और ये इस साइड में भी मेरे खेत है और ये जो हम नीचे आ गए तो नीचे वाले भाग में इस साइड में भी मेरे खेत है। समय हो गया है और मैंने बहुत कुछ चीजें बता दी हैं आपको और अब मुझे घर जाना है। तो बाय गाइस, यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।